Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? How's your studying all going? Let's start today's lecture. Okay, class 8, subject mathematics, unit number 2. We have started unit number 2. That is real numbers. So, aaj hamara real numbers mein topic hai square. Theek ho gaya? Exercise 2. पहले होमवर्क चेक कर लेते हैं. आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और 4 दिया था, 21 ओवर 25 एंड 6 ओवर 140. आपने क्या करना था, ये आपके पास रेशनल नंबर्स हैं, आपने इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना था और बताना था कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो मैं आई शो यू द होमवर्क, काइंडली चेक विद यू होमवर्क. 21 ओवर 25, ठीक है. अब हमारे पास ये क्या है, 21 ओवर 25. जब हमने 21 को 25 पे डिवाइड किया, 25 इज ग्रेटर नंबर एंड 21 इज स्मॉलेस्ट. सो जीरो लगा के हम पॉइंट लगा लेते हैं बिगर करने के लिए. आप 25 8 200, 0 1, अगेन वी पुट 0 बिकॉज दिस इज 10 एंड दिस इज 25 24 4 100. सो देखिए स्टूडेंट्स, रेशनल, जब आपके पास रेशनल नंबर्स डिवीजन डेसिमल में आप करते हो और आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, तो वो आपके पास कौन से डेसिमल्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि स्टॉप हो जाता है आपके पास. ठीक है ना, यहाँ पे देखिए स्टॉप हो गया, ज़ीरो आ गया, या क्रॉस आगे नहीं प्रोसीड हो रहा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा. ठीक हो गया. और रेशनल नंबर है आपके पास 6 by 1 over 40, आपके पास डिविडेंड है और 140 डिवाइजर. ठीक हो गया 140. अब ये 60, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के जीरो लगा देते हैं, क्योंकि 140 स्मॉलेस्ट और 140 इज बिगर एंड 6 इज स्मॉलेस्ट. सो 600 इज बिकम 600. नाउ स्टार्ट. ओके, पॉइंट लगा के हमने जब जीरो लगा दिया, सॉरी यहाँ पे आपके पास 6 है, यानी कि 6 है, तो जब आपने एक पॉइंट ज़ीरो लगा दिया, लेकिन अगर आप 2 नंबर इंक्रीज करेंगे तो पॉइंट के बाद एक और ज़ीरो आप पुट कर देंगी. ठीक हो गया. यहाँ पे हमारे पास एक ज़ीरो तो पॉइंट का आ गया, लेकिन अभी भी ये स्मॉलेस्ट है. तो हम क्या करते हैं, दोबारा से यहाँ पे एक ज़ीरो लगा के और यहाँ पे 60 के साथ ज़ीरो ऐड कर लेते हैं, तो ये 600 बन जाता है. अब 140 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 460, आपको 560 आ जाता है. इसको माइनस करें तो 400, फिर 400, 142 जार 280, देन 1200, 148 जार 100, 1120, 800, देन 5 से मल्टीप्लाई करें 700, देन 100. ठीक है. अब स्टूडेंट्स ये कंटिन्यूस है, देखिए 100 आ गए, दोबारा आप पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाएंगे 1000, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें, मतलब ये ज़्यादा जाएगा, इसका नो एंड, इट्स नॉट स्टॉप. ठीक है, तो ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहे. देखें अगर यहाँ पे आपके पास डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं डेसिमल्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है, डेसिमल के पॉइंट के बाद जो आपके पास डिजिट्स है, देखे 4 2 8 5, इसके बाद मे बी 2 आए, 3 आए, डिफरेंट आ रहे हैं, एक जैसे नहीं आ रहे, तो हम इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग. तो इस तरीके से ये आपका होमवर्क हो गया. उम्मीद है कि आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. ठीक हो गया. ओके, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो कि है स्क्वेयर. व्हाट इज स्क्वेयर, ठीक है ना, स्क्वेयर. ऐसे तो हमारे पास ज्योमेट्री में भी स्क्वायर आते हैं ना, स्क्वायर बॉक्स हम कहते हैं स्क्वायर, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक हो गया. अब परफेक्ट स्क्वायर, अब यहाँ पे आपके पास अलजेब्रा में स्क्वायर क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स. अब परफेक्ट स्क्वायर आर स्क्वायर इज अ नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल इंटीजर्स. जब आपके पास 2 इंटीजर्स सेम इंटीजर्स हों और उसका प्रोडक्ट आ जाता है, जब उसको आप मल्टीप्लाई करते हो, तो उसका जो आंसर आता है, प्रोडक्ट आता है, वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है. ठीक हो गया. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स एक्सप्रेस एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल इंटीजर्स. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. अब आपके पास स्क्वायर फाइंड करना और परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है. स्क्वायर क्या है कि जब आप 2
सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास एक आंसर आ जाता है, ठीक है। जो वो जो आंसर आता है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक हो गया। जैसे कि अब आपके पास 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, बी एक्सप्रेस एस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सेम नंबर है जो आंसर आपके पास। देखिए अब यहाँ पे 4 है, यानी कि 4 दो सेम नंबर का स्क्वायर को, जब हम दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाता है ना। तो प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट क्या आता है, 4। तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 8 देखिए, 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल इंटीजर। ओके, तो स्टूडेंट अब 8 है, 8 को आप परफेक्ट स्क्वायर में नहीं शो कह सकते। देखिए 4 टूज आर 8, 2 फोर्स आर 8, 8 वंस आर 8। आपके पास दोनों फैक्टर्स हैं वो चेंज आ रहे हैं, ठीक है ना, सेम नहीं आ रहे। 2 फोर्स आर 8 आ रहे, 2, तो ये आपके पास क्या है, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब आपके पास दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, दो इक्वल इंटीजर्स का प्रोडक्ट आपके पास आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर आपको देगा। और अगर आपके पास दो इक्वल नंबर्स नहीं आ रहे प्रोडक्ट के, तो वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक हो गया। समझ आ गई इस बात की। देखिए आप एग्जांपल क्या कहते हैं, 10 फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी आपको कह रहे हैं सिर्फ स्क्वायर फाइंड करने को कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर जब आप फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप स्क्वायर ऑफ 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। स्क्वायर ऑफ 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। 13 मल्टीप्लाई बाई 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्या किया हमने, 4 हमें नंबर्स दिए थे, हमने उनको उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेम इंटीजर्स। तो अगर आपको 10 गिवन है तो आप उसको 10 से ही मल्टीप्लाई करके उसको स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये आपके पास स्क्वायर। आप देखिए पैटर्न फॉर स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, आपके पास पैटर्न गिवन है, क्या आप स्क्वायर नंबर्स को कैसे पैटर्न में लिख सकते हैं। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कैन बी एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। अब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर, अब फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स अगर आप ले लें, 2 स्क्वायर क्या आता है 4, और 1 प्लस 3 4, 3 स्क्वायर 9, और अगर आप फर्स्ट 3 ऑड नंबर लें तो वो भी आपको 9 दे देगा। 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर फर्स्ट 4 ऑड नंबर 16, इनको आप प्लस कर लें तो 16 आ जाए। 5 स्क्वायर यानी कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर, इसी तरीके से ये नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। अगर 6 स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे 6 ऑड नंबर आ जाएंगे, 7 आएगा तो 7। अब आप ये देखिए, चेक योर सेल्फ, 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर का आंसर निकालें और उसको आप इस पैटर्न में भी कर लें, फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स ले लें और देखें दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। द स्क्वायर ऑफ नंबर लाइक 111, 111 विच कंटेन द डिजिट 1 ऑनली हैव नाइस पैटर्न शोन बिलो। जब आपके पास 1 आ जाएगा तो इसके लिए भी आपके पास एक पैटर्न है। देखिए 111 का स्क्वायर 121। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 111 का स्क्वायर है तो 12321। ये आपके पास देखें इस तरीके से आ गया, 111 है ना, तो 123 यानी कि फर्स्ट 3 नंबर, देन आपने 3 के बाद दोबारा रिवर्स कर दिया 21। अब यहाँ पे 4 है, 4 टाइम 1 है, 1111 का होल स्क्वायर यानी कि 1234, ये 4 1 है तो 1234 ले लिया और 4 से दोबारा रिवर्स हो गए। तो ये आपके पास यानी कि अगर आप इसको अलग से स्क्वायर को बाय रफ वर्क मल्टीप्लाई करने का, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। आप देखिए एक और पैटर्न, देयर इज अनदर नाइस पैटर्न, ये भी इजी पैटर्न है। देखें 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आप क्या कहते हैं 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2, पहले दो नंबर ले लिए 2 तक, आप नेक्स्ट आपने क्या किया रिवर्स कर लेना है, बैक 2 का बैक जो आता है उसको यहाँ पे लिख लेना है। अब इसको प्लस करें तो 4 आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, 3 आया तो फर्स्ट 3 नंबर लेंगे,
दोबारा से आपने रिवर्स कर लेना है, थ्री से जो पहले नंबर्स आते हैं वो लिख लेने, इसी तरह फोर से जो पहले नंबर आते हैं फोर तक नंबर लिख के आपने रिवर्स नंबर लिख लिए। इसी तरीके से 5, 6, 7 ये तमाम फ्रैक्शंस है स्क्वायर फाइंड करने के, मजा इसके कि आप इन, अगर आपके पास ये तब इजी होगा जब आपके पास बिग नंबर्स हों तो उनको आप सिंपली सॉल्व करने के लिए ये पैटर्न आपको बहुत इजी रहेगा। फाइंड द अबाउट पैटर्न फॉर इट स्क्वायर, अभी आपने करना है, ये आपकी एक्टिविटी है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन, ठीक हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर के कहते हैं कि जीरो, ये जो आपके पास जीरो होंगे ना ये इवन नंबर्स होंगे, जैसे कि देखिए 1, 2, 3, 6 जीरोस हैं यानी कि इवन हैं। यहाँ पे आपके पास 4 जीरो है तो ये इवन है, अगर आपके पास इवन 60 हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये आपके पास 4 पैटर्न्स हैं स्क्वायर को फाइंड करने के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.5, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। ओके, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 5 स्क्वायर का पैटर्न। तो मैंने आपको क्या बताया, 5 स्क्वायर है तो हम देखते हैं हमने कितने नंबर लेने हैं, 5 तक नंबर। अभी आपने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, आपको 1 गिवन है, फिर 4 गिवन है, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो 1 और 2, 3 प्लस 4, 5 के बाद दोबारा रिवर्स चले जाएंगे तो 4, 3, 2, 1। इसी तरीके से देखिए 6 स्क्वायर का अगर आप पैटर्न ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 तक नंबर लिखेंगे और फिर 6 से बैक चले जाएंगे। 8 स्क्वायर का पैटर्न कैसे होगा, 8 तक नंबर लिखेंगे फिर 8 से बैकवर्ड काउंटिंग लिख लेंगे और उनको ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से 8 स्क्वायर 64 है, और अगर इन नंबर्स को आप प्लस कर लें तो तब भी 64 आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास पैटर्न, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। तो स्क्वायर मीन क्या, आपने उस नंबर को 2 times मल्टीप्लाई कर लेना है। स्क्वायर ऑफ 17 कितने टाइम मल्टीप्लाई को, 2 times। व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 times, देखिए रफ वर्क मैंने किया, आंसर इज 289। सॉल्यूशन 21 का स्क्वायर, गिवन डेट 21 का स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 441। स्क्वायर ऑफ 21 101। इसी तरीके से 101 को मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर क्या आता है, 1201। तो ये आपके पास आ गया। सॉरी 10201 आपके पास आंसर आ गया, इसका ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक हो गया। तो ये स्क्वायर फाइंड करना फाइन बहुत इजी है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आपने जस्ट 2 times मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है। अब आपके पास ये होमवर्क है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग 225, 700, 999। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करें और आप अपना होमवर्क कर लें, और काइंडली डू डन ऑल द वर्क इन योर कॉपीज और डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस एट होम। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।